गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दया मशरूम फार्म। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो फार्म की लोकेशन है वो उन्हें कई बार मिलती नहीं है, या जो ट्रेनिंग के लिए लोग आ रहे हैं वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा मैं जो उनसे बात हुई है कि थोड़ा सा मैं व्यू दिखाऊं फार्म का कि कैसा कैसा है, हम कैसे काम कर पाएंगे। तो ये देखिए, जैसे आपको दिख रहा हो वहाँ पर जो है सामने रोड है, तो रोड से जो मेन हाईवे है आपका हमारा सोनीपत से गोहाना वाला, जो ये हाईवे है, इस हाईवे से महज 70 या 80 मीटर अंदर जो है मेरा फार्म है। और ये यहाँ पर पूरा पक्का रास्ता आपको दिख रहा होगा, बन रहा है, और ये यहाँ से मेरे फार्म की एंट्रेंस है, ये वाली जो ये आपको रास्ता दिख रहा है। और उससे फिर अगर हम अंदर की तरफ देखें तो ये मेरा पूरा सेटअप है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरी कंपोस्ट यूनिट है यहाँ पर इस वाले एरिया में, ये यहाँ पर अभी मेरा ओपन एरिया पड़ा है। उसके बाद वहाँ पर दो जो पीछे हैं वो ग्रोइंग रूम है, जो आपको ब्लू शेड दिख रहा है। फिर आपके पास ओपन एरिया है मेरा, इधर ये रूम्स हैं कुछ, जो आपको वाइट टंकी दिख रही है, और ये रूम्स हैं, लेबर के रूम हैं, ऑफिस है, उधर वॉशरूम है। तो वो उस तरीके से ये सेटअप इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ताकि कुछ लोग जो क्यूरियोसिटी थी, कुछ स्टूडेंट भी थे कि मैडम कैसा होता है, क्या होता है, दिखाओ, हम ट्रेनिंग लेने अगर आए भी। तो ये इस तरीके से सेटअप है, जो मशरूम का काम कर रहे हैं या जो इसमें जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, या यूट्यूब देखते हैं उन्हें ज़्यादा जानकारी है, लेकिन कुछ जो नए बच्चे थे तो उनको था कि कैसा क्या है। लेकिन ये है सारा खेत का काम, जो अगर आपको बताऊँ मैं, ये सारा फार्म पर ही ट्रेनिंग होगी, फार्म पर ही काम होगा आपका, क्लासेस भी यहीं लूँगी मैं आपकी, और यहीं पर ही हमारी ट्रेनिंग होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बड़ी अच्छी या 5 स्टार या कंफर्टेबल ट्रीटमेंट इन दी सेंस नहीं होगी, क्योंकि जब आप ये काम करना ही चाहते हो, कर रहे हो या करोगे, तो फिर उसमें इसी सेटअप में आपको काम करने की आदत डालनी पड़ेगी या होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर वेटिंग एरिया है, जहाँ पर हमारा जो है कंपोस्ट को भिगोया जाता है। देन वी हैव, ये इस तरीके से हमारा स्पॉनिंग एरिया है पूरा, जो कि शेड के साथ कवर है। लेकिन इन दिनों में जो मैंने 6, 7, 8 अक्टूबर में स्टार्ट किया है, तो इसमें ये बेनिफिट है, जैसे अभी मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 का टाइम है, तो अभी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा और प्यारा मौसम है, बहुत ही खुली हवा है, चारों तरफ जो है मेरे खेत हैं, कोई कहीं पर किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन ही खेत ही खेत दिखाई देंगे आपको। हाँ, लेकिन ये अच्छी है, कनेक्टिविटी है, सामने बिल्कुल रोड है, तो आपको दिखाई देगा कि जो है रोड है वहाँ पर। इधर दुकानें भी हैं, खाने पीने का भी आपको मिल जाएगा, काफ़ी हलवाई की दुकानें हैं, ढाबे हैं, तो वो चीज़ भी है। तो आपका जो रोड से है वो है बिल्कुल ऐसे भी नहीं है आउटस्कर्ट्स पर, या आइसोलेटेड एक तरीके से फार्म है, ऐसा नहीं है, है बिल्कुल ये खेत के अंदर ही, क्योंकि ये खेत खुले में ही अच्छा रहता है। फ्रेश एयर मशरूम को चाहिए होती है, या कंपोस्ट में जो हमारी गंद निकलती है, तो उससे रेजिडेंशियल एरिया में तो वो इतना नहीं हो पाता है। तो हम इस तरीके से, हमारा ये सेटअप है, ये बंकर हैं दो मेरे पास, ये हमारा टनल है पाश्चराइजेशन, इसके अंदर हमारा कंपोस्ट जा चुका है। अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें सारी जानकारी है, बस ट्रेनिंग का यही पर्पज़ है। अगर वो काम कर रहे हैं कि उनकी अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या वो नहीं समझ पा रहे हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें, तो वही अगर हम आपस में मिलके जुड़ के कुछ क्लियर करेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर अभी जगह ओपन है, तो ये देखिए यहाँ पर। और क्लासेस मैं सोच रही हूँ इस वाले रूम में लूँगी, क्योंकि मौसम अच्छा है तो इतनी गर्मी नहीं है। ये देखिए, इसको पूरा साफ़ हो जाएगा, ये मेरी पूरा ओपन एरिया है जिसको हम गैलरी बोलते हैं, तो क्लासेस इसमें हो जाएंगी हमारी, यहाँ पर होंगी। और ये मेरे पास दो ग्रोइंग रूम्स हैं, लेट मी शो यू दिस, ये पहला ग्रोइंग रूम है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल मशरूम की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फार्म पर ही होगी, ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस मैं किसी क्लासरूम में ले लूँ। मैं किसी क्लासरूम में भी आपकी क्लास ले सकती हूँ, अगर किसी मतलब ज़्यादा वो, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जो भी आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो ये प्रॉपर है कि हाँ, ये बैग्स हैं, इस तरीके से आपकी जो हैं स्पॉनिंग होती है, ये चीज़ हैं। उस टाइम जो भी फार्म पर एक्टिविटी जो चल रही होगी, वो आप बिल्कुल खुद देख पाओगे, और